खूबसूरत तरीके से वो अपनी गजल पेश कर रही थी और मुझे ये मिसरे याद आ रहे थे कि खाली खाली नहीं हुई दिल का मका रह जाए, खाली खाली नहीं हुई दिल का मका रह जाए, तुम हमें यार से कह दो कि यहाँ रह जाए। रूह भटकेगी तो बस तेरे लिए भटकेगी, जिसका क्या है भरोसा कि कहाँ रह जाए। इसलिए जख्मों से मिलवाया नहीं पर हमको कुछ न कुछ आपकी गुर्बत का निशान रह जाए। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाबे मोहतरमा शुक्रिया सफर साहिबा को। आइए दोस्तों, अब मैं फिर आपको जो है गज़ल की तरफ ले चलता हूँ और एक ऐसी गज़ल, एक ऐसा मोहतरम लहजा जो शायद पहली मरतबा आपके इश्तियार मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हुए हैं। और आज मेरी जनाब अविनाश प्रताप सिंह जो बनारस से चलकर आपके इश्तियार मोहब्बत में तशरीफ़ लाए हैं, मैं चाहता हूँ कि तालियों की भरपूर गूंज में उनका इस्तकबाल किया जाए। सबसे पहले बड़ी बहन वंदना दीदी का शुक्रिया अदा करता हूँ, मंच पर आसे सभी कवियों को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को प्रणाम करता हूँ और चार हिस्से से अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। सुनिए कि छाए छाए रहते हो, छाए छाए रहते हो, बादल हो गया, छाए छाए रहते हो, बादल हो गया, किसी के पैरों के पायल हो गया, किसी के पैरों के पायल हो गया, हम तो तभी पागल हो गए। छाए छाए रहते हो, बादल हो गया, किसी के पैरों के पायल हो गया, हम तो तभी पागल हो गए जब उसने मुस्कुरा के कह दिया पागल हो गया। हम तो तभी पागल हो गए जब उसने मुस्कुरा के कह दिया पागल हो गया। चार में से और देखें कि मेरी कहानी का आगाज हो तुम, मेरी कहानी का आगाज हो तुम, मैं सच कहता हूं मुमताज हो तुम, मैं सच कहता हूं मुमताज हो तुम। और देखिए होता कैसा कि पता नहीं होता कि स्त्रियों के मन में क्या चल रहा है क्या नहीं। ऐसे ही हमारे पड़ोस के हैदराय साहब, तो उनके यहाँ क्या हुआ कि उनकी पत्नी को फ्रैक्चर हो गया तो वो दो तीन दिन तक खाना नहीं बना पा रही थी। तो सुनिए सर कि ये क्या हुआ कि उन्होंने कहा अपने हस्बैंड से कि आप ही खाना बना के मुझे दे देना। तो बोले ठीक है। तो एक रोज जो कही कि मुझे एक अंडे लाके दे दो, तो उनके पति क्या करे कि उनको एक बार लंगा ला दिए। तो बोले यार कमाल क्या बात में हो, मुझे ट्राई करके खाने का मन था, आपने बॉयल ला दिया। तो बोले ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, अगले रोज से नहीं होगा। अगले रोज उन्होंने फिर से फरमाइश की, फिर उन्होंने वही बात कहा कि यार आज मुझे बॉयल करके खाने का मन था, आपने फ्राई करके ला दिया। तीसरे रोज राय साहब सोचा अच्छा ठीक है आज मैं क्या करता हूँ कि बॉयल भी ले चलता हूँ फ्राई भी ले चलता हूँ। तो तीसरे रोज राय साहब फ्राई भी लेकर आए और बॉयल लेके भी आए। तब उनकी बीवी बोली यार कमाल के आदमी हो यार, जिसे फ्राई करना था उसे बॉयल कर दिया, जिसे बॉयल करना था उसे। तब सुनिए कि स्त्रियों का मन का कोई हाल नहीं जानता कि मेरी कहानी का आगाज हो तुम, मैं सच कहता हूँ मुमताज हो तुम, मैं सच कहता हूँ मुमताज हो तुम, जितना सुलझाओ उतना उलझे है, जितना सुलझाओ उतना उलझे है, जाने कितना गहरा राज हो, जाने कितना गहरा राज हो तुम। और चार से और पेश करता हूँ आपकी खिदमत में कि मैं बेवफा नहीं, अभी इम्तहान ले लो। देखिए साहब कि मैं बेवफा नहीं, अभी इम्तहान ले लो, मेरी जान चाहो तो मेरी जान ले लो, बहुत अच्छा है भैया, बहुत अच्छा है भैया, चाहो तो मेरी जान ले लो। और देखें कि क्या कहा, मैं ज्यादा बोलने लगा हूं, मेरी जान चाहो तो मेरी जान ले लो, क्या कहा, मैं ज्यादा बोलने लगा हूं, एक काम करो मेरी जुबान ले लो, एक काम करो मेरी जुबान ले लो। आपके शहर में हूँ, पहली बार आया हूँ आपके शहर में और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वंदना दीदी का। और एक नई गजल का मतलब पेश करता हूँ प्रदीप से साहब की, जी इस वीराने शहर में, इस वीराने शहर में कोई पैगाम आया क्या, मैं महकदे में हूँ मेरा जाम आया, मैं महकदे में हूँ मेरा जाम आया क्या, ये नशा ये बंदिश है ये मोहब्बत, ये नशा ये सोहरत ये बंदिश है ये मोहब्बत, अविनाश इसमें तुम्हारा नाम आया क्या, अविनाश इसमें तुम्हारा नाम आया क्या,
और ये देखें कि इस अंदर से देखें साहब कि ओ रिश्ते ओ मजहब ओ दोस्ती ओ खुदा ओ रिश्ते है ओ मजहब ओ दोस्ती ओ खुदा तू ही बता कोई तेरे काम आया क्या, तू ही बता कोई तेरे काम आया क्या। और आखिरी गजल के कुछ मैं एक मतला और दो शेर पेश करता हूँ कि मुझसे मैं नहीं मिलता, मुझसे मैं नहीं मिलता ये सही है क्या, मुझसे मैं नहीं मिलता ये सही है क्या, मुझसे जो मिलने आया आप वही है क्या, मुझसे जो मिलने आया ये देखे मुझसे जो मिलने आया आप वही है क्या, बहुत लंबी मुलाकात कर रहे हो, बहुत लंबी मुलाकात कर रहे हो मुझसे जो मिलने आया आप वही हो क्या, बहुत लंबी मुलाकात कर रहे हो दोबारा मिलने का इरादा नहीं है क्या, दोबारा मिलने का इरादा नहीं है क्या। और अगला शेर इसका देखें, इतने राज दफन करे हैं बताओ मुझे, इतने राज दफन करे हैं बताओ मुझे, मैंने तुम्हारी बात किसी से कही है क्या, मैंने तुम्हारी बात किसी से कही है क्या। बहुत बहुत शुक्रिया।